लुक एट दिस व्यू, जय माता दी। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिया यादव। तो आज का व्लॉग है, सुबह सुबह हम आए हैं घूमने और यहाँ पे हमको कोई नहीं दिखा, तो हम सोचे व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि जब कोई नहीं रहता है तो सब हेजिटेट नहीं होता व्लॉग बनाने से ना, कोई रहता है, देखते रहता, घूरते रहता अधिकतर तो व्लॉग में। तो लुक एट दिस व्यू, कितना सुंदर व्यू है। ये हम आए हैं हजारीबाग का जिला परिषद पार्क, तो आपका वो यहाँ का ब्यूटी दिखाते हैं। ये अंकल है, थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं पीछे। यस, तुमको लेना है व्लॉग में, तो अभी आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। उधर दिखा, उधर से सीटिंग एरिया है, खाना वाना खा सकते हैं, छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर सकते हैं। और इधर भी है, धूप एकदम तेज से पड़ रहा है और ये पानी के एकदम बीच में है, इसलिए ये बहुत सुंदर लगता है। मतलब चारों ओर ऐसा झील है और ये इसके बीच में बना हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और ये हजारीबाग का है, उधर से एंट्री है पार्क का। इतना सुबह हम लोग आ गए तो यहाँ पे तो कुछ खाने के लिए अवेलेबल नहीं है, हालांकि बन रहा है, आई थिंक किचन में कुछ ऐसा बनने का हमको आवाज़ आया था, पर अभी हम लोग ये खा रहे। देखो कितने लोगों को पसंद है और कोई ऑप्शन नहीं मिला इसलिए खा रहे हैं। भूख में सब अच्छा लगता है, सह लेंगे थोड़ा सा। मॉर्निंग वॉक में मशरूम तोड़ के दे, मशरूम तोड़ के दे, सब्जी बना के। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कभी नहीं किए हम, हमको एक बार याद है हम छोटे में किए, हम बहुत डरते थे। ये पहनना पड़ेगा क्या? ये वाला पहनना बच जाएंगे क्या? तब तो हम जरूर पहनेंगे। गाइस अगर कोई खतरा है तो इससे टल जाता है। दूसरा टका लग जाएगा, 100 रुपया लगेगा तेरा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। स्टार्ट
पैनल मारे हम मार सकते हैं। वो ऐसे उल्टा सा कितना हम छोटा जगह पे डर रहे हैं और बाकी सब कितना बड़ा बड़ा जगह पे बोट करता है। आप ऐसे इससे बड़ा जगह में घूमे हैं? हाय बोलिए मेरे व्लॉग में यूट्यूब पे डला है। बोटिंग भी बहुत कोई करता होगा। कितना किनारे आ चुके हैं, डर लग रहा फोन गया तो मम्मी हमको मारेगी भी के मारे। पानी छू ले, छू लिए। पूरा ऐसा गोल घुमाएंगे। सब बर्थडे मनाता है ना, कभी हम सोचे थे तो कि हम बोट करेंगे इधर। बहुत भीड़ ना, आदमी देखेगा देखेगा तू पागल हो जाएगा। सुंदर ही इतना जगह बीच में बनाया है ना, हम नहीं देखे थे ऐसा कभी। पहला ही हजारीबाग में देखे, बाकी सब पार्क से भी सुंदर। देखे कि हम बोट में गए थे, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे, बहुत मज़ा लगा। अंकल बहुत स्वीट थे यार, अंकल बहुत स्वीट थे। ऐसा हम लोग हमको ऐसा डर नहीं लगने दिया क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो हमको ऐसा डर नहीं लगने दिया। बहुत मज़ा आया। अब हम लोग ऐसा ये बच्चों वाला प्लेस में है जिसमें झुलवाया, तो थोड़ा इसमें मज़ा कर लेते हैं। इधर मम्मी घूम रही है मेरी, बहुत अच्छा लगा बोट करके, मेरा डर मिट गया। हमको बेसिकली अपना डर मिटाना था। अच्छा इधर लाइटिंग नहीं आ रहा, उधर जान लो एक मिनट गाइस। बेसिकली हमको बोटिंग इसलिए कर रहा था कि हमको अपना डर मिटाना था। बहुत डरते हम पानी से, हमको तो आज पता चला, लेकिन आज मेरा डर ख़त्म हो गया। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ऐसा चारों ओर ऐसा पेड़ पेड़ था और इसे चल मतलब ऐसा बोट करके बहुत मज़ा आया। और यहाँ का व्यू ही इतना सुंदर है कि किसी को भी मज़ा ले लिया यहाँ। दिल तो बच्चा है जी, कितना मस्त। हम भी आएंगे, गर्ल्स लाइक टू स्विम। अरे बच्चा लोग भी आया, बच्चा क्या आएगा, हम खुद बच्चा बन गए। बहुत मज़ा आ रहा, अपने से झूलने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। इसमें बैठो। अरे मम्मी हमको ऐसा धक्का देगी ताकि ज़्यादा मज़ा आए। यहाँ पे हम मज़ा करके हम, ट्रस्ट मी गाइस, एक टिप्स दे जरूर देना चाहेंगे। अगर आपको एकदम फुल ऑन मस्ती करना है, कुछ भी ऐसा मतलब घूमना है अच्छे से, तो सुबह ज़रूर आना। शाम में तो सबको ही आता है यार, सुबह मस्त आना ज़रूर। बच्चे तो यहाँ झूल रहे। आज तो हमको गाना याद आ रहा है सिर्फ, फिर तो बच्चा है जी। इसमें हम चढ़े देखो गाइस, ये देखिए मेरे पतंजलि का चप्पल जो कि थोड़ा पुराना हो चुका है। पूरा पार्क विजिट कर चुके हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। जिसको भी आना मतलब अगर बच्चे लोग को आना, बच्चों के लिए बड़ों के लिए फन, ये व्लॉग करते हुए हमको बहुत मज़ा आया। मेरा सा वो बचपन याद आया, फाइनली इतना टाइम बाद हम ऐसे खेले हैं, खिलखिलाए हंसे, बहुत मज़ा लगा। ये देख सकते हो बाहर पार्क का व्यू। और टिकट का 10 रुपीज़ लगेगा, बोटिंग का 100 रुपीज़ दिए हम लोग, और वो जो जंपिंग वाला सिस्टम था, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, तो उसके लिए हमको 20 या 40 रुपये मम्मी पे की है, और हम तो मज़ा करते हैं। और इधर आपको रोड मिलेगा, बस स्टैंड जैसे उतरोगे पार्क मिलेगा, बहुत ही सुंदर है, तो ज़रूर विजिट करना। और आज हम धूप में ऐसा घूम घूम के थक चुके हैं, तो फेस ऐसे टमाटर जैसे लाल हो गया मम्मी। अभी हम लोग जा रहे ऐसे कुछ खाने के लिए, तो एकदम एनर्जी लो हो गया हम लोग का, घूम घूम के सुबह ही निकल गए थे, तो थोड़ा एनर्जी के लिए हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे, और अभी ऐसा मॉल जाएंगे आई थिंक। मम्मी आई है तो थोड़ा खर्चा कराना तो बनता है ना, मम्मी ऐसे देख रही हूँ। अच्छा तो यस गाइस, कंटिन्यू करो व्लॉग और अभी चलते हैं।
हम आ गए हैं गांधी मैदान मटवारी, मेरा फेवरेट लिट्टी चोखा खाने। भाई तुम बता रहे हैं मेरे को इतना पसंद है ना लिट्टी चोखा, और यहाँ का तो चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए खाट ओवर एक्टिंग के वजह। तो हम फाइनली सारा खाना वाना खा के आ चुके हैं और अभी हम लोग इधर मटवारी साइड आए हैं एके इंटरनेशनल के पास। और अगर मटवारी आप आते हो तो दही पापड़ी तो खाना ही खाना, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है। मेरा सब मेमोरी आज हमको सारा सा मेरे यादें ताज़ा हो रहा है, जब हम 12th में ऐसे क्लास करते थे, इधर ट्यूशन क्लास करते थे। सबको अपना कॉलेज डे मिस करते ना, हम तो अपना ट्यूशन डे मिस करते थे क्योंकि लॉकडाउन था तो हम लोग कॉलेज तो जाते नहीं थे, ट्यूशन। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, एकदम सारा यादें ताज़ा हो गए। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, देखते हैं ऐसा कुछ अब और खाएंगे। तो मेरा ना ऐसा स्टॉप पे खाने वाला है, ऐसा लिट्टी है, उसके बाद फिर इडली है, उसके बाद फिर दही पापड़ी, ये सब चाय वाय। तो हम लोग ऐसा सुबह रोज चलता ही था, बहुत मिस करते हैं यार। बाबूगांव में मेरा ट्यूशन था, इधर सारा आपको सिर्फ स्टूडेंट लोग का ही भीड़ मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट ही है। तो अभी हम लोग जाते हैं वॉशरूम, आए हैं पर ले चुके हैं यानी कि चप्पल, स्लीपर बोलने में अपना पर स्टील नहीं होता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वीटू, मम्मी का थोड़ा और खर्चा कराने। तो चलिए चलते हैं वीटू, उसके बाद देखते हैं अगर कुछ पसंद आया तो लेंगे डेली वेयर के लिए टी शर्ट वगैरह। तो यस, आ चुके हैं, अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी सामान रखवा रही क्योंकि सामान लेके अंदर जाने नहीं देता। तो चलिए चलते हैं अंदर। और अभी मम्मी ऐसा अपने मतलब पापा के लिए, अपने पापा के लिए भी ले रही है, तो ये पसंद कर रही है, मम्मी पसंद कर रही है, और हमको तो पसंद आ चुका है कुछ, तो हम ले ही के ही रहेंगे क्योंकि मम्मी मान जाती है, मम्मी को खुश ला लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है कि पापा जल्दी नहीं मानते, मम्मी मान जाती है। प्लीज लेते हैं, अभी शॉपिंग कर लेते हैं पूरा, उसके बाद मिलते हैं। तो जो हमें पसंद आया वो हम ले चुके हैं, मम्मी का बजट देखिए। मम्मी अभी वॉशरूम गई है, हमको बहुत प्यास लगा यहाँ पे। ये नया चीज़ आया कि पानी उनका शुद्ध हो गया और यहाँ स्टोर रूम था, बाथरूम बन चुका है, बहुत अच्छा बात है ये जो कि। तो चलिए चलते हैं, बिलिंग कराते हैं, उसके बाद घर जाएंगे क्योंकि बहुत थक गए। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तोबा थारा मूड। बिलिंग कराएंगे और जल्दी से घर जाएंगे, भी थक चुके हैं। मुझे तो इतना प्यास लग रहा है ना, मेरा गला सूख रहा है, नीचे जाके पानी। ओह वाओ यहाँ हवा आता है, सोच रहे नहीं चल रहा है, दबाए नहीं बटन, फाइनली लेके बिलिंग करा के फाइनली घर आ चुके थे क्योंकि अब ब्लॉग करने का हिम्मत नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। तो घर आ चुके हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, मेरा तो बहुत, हमको तो ये ब्लॉग शूट करने में बहुत मज़ा आया था। आ गई बीच में, क्या बोला तूने? मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर करना ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे यहाँ तक ब्लॉग देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें, जो भी हजारीबाग से है और यहाँ आए तो ज़रूर विज़िट करें प्लीज़।